For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर उमर मुश्ताक है और मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हॉस्पिटल लाहौर में डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट और सीनियर रजिस्ट्रार हूँ। इसके साथ साथ मैं चुगताई मेडिकल सेंटर में इवनिंग में DHA में लेज़र और कॉस्मेटोलॉजी डर्मेटोलॉजी की प्रैक्टिस भी करता हूँ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे उसका नाम है एक्नी वल्गैरिस, जिसको उर्फ़ आम में एक्नी भी कहा जाता है। ये एडोलेसेंट्स में बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन है और एडोलेसेंट्स का मतलब है कि जवान लड़के और लड़कियों में ये कॉमनली प्रेजेंट करती है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? चेहरे पे दानों का आ जाना, चेहरे के अलावा ऐसी जगह जो सेबेशियस ग्लैंड्स रिच होती हैं, ये सेबेशियस ग्लैंड्स जिल्द के वो गदूद हैं जो जिल्द को मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं। ये सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ होते हैं? चेहरे पे, अपर आर्म्स, अपर बैक, अपर चेस्ट, तो इन जगहों पे दानों का आ जाना, जिनको कील मुहासे भी कहा जाता है, उसके साथ साथ पस वाले दाने बनने शुरू हो जाना, बड़े बड़े सिस्ट्स बनने शुरू हो जाना, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स बनने शुरू हो जाना, ये कॉमन प्रेजेंटेशन है एक्नी वल्गैरिस की, जो कि यूजुअली यंग लड़कों लड़कियों में आनी शुरू होती है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ यंग लड़के और लड़कियों में ही आए, कभी कभी इसकी लेट प्रेजेंटेशन भी हो सकती है, यानी कि ये 30 साल की उम्र तक आ सकते हैं। इसके साथ साथ एक तो ये फिजियोलॉजिकल होती है। फिजियोलॉजिकल का मतलब ये होता है कि ये आते ही आते हैं, जैसा ही एक इंसान अपनी बलोगत को टच करता है तो ये दाने आने शुरू हो जाते हैं। ये एक नॉर्मल फिनोमेना है जो कि 85-90% पूरी दुनिया की पॉपुलेशन, चाहे वो गोरा है, चाहे वो काला है, चाहे वो गंदमी है, वो सारे इससे गुजरते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी वजूहात हैं जो कि नॉर्मल से हटके हैं, जिनमें एक्नी बनना शुरू हो जाती है। वो कौन सी वजूहत है? उसमें ख़वातीन में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ का हो जाना, जिसको PCOS कहते हैं, जिसमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं लड़कियों में, उससे एक्नी आ जाती है, या बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल, जो लड़कियां लड़के बहुत ज़्यादा रंग गोरा करने वाली क्रीमें लगाते हैं जो कि कमर्शियली अवेलेबल होती हैं, जो कि चीप कमर्शियली अवेलेबल क्रीम्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स और हैवी मेटल्स होते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा एक्नी बननी शुरू हो जाती है। तो ये एक और कॉज है एक्नी बनने की, जो कि फिजियोलॉजिकल कॉजेज से हट के है। इसके साथ साथ बेजा कॉस्मेटिक यूजेज, जो लड़कियां बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स यूज़ करती हैं, उनमें भी एक्नी कॉमनली आ जाती है। और ऐसा प्रोसेस्ड फूड जो कि स्टीरॉयडल प्रोसेस्ड फूड है, उसको खाने से भी एक्नी शुरू हो जाती है। तो ये कुछ ऐसी कॉमन कॉजेज हैं जो कि फिजियोलॉजिकल से हट के हैं, लेकिन इनमें भी ये सारे दाने जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये दाने बनने शुरू हो जाते हैं। अब ये तो थी कॉजेज, इन कॉजेज के साथ साथ कुछ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स का मतलब होता है एग्रीवेटिंग फैक्टर्स। एग्रीवेट किस में होते हैं? वो लोग जो पानी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, या वो लोग जो कॉस्मेटिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उन लोगों में अमूमन एक्नी ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। अब इसकी टाइप्स पे मैं आ जाता हूँ कि इसकी चंद एक टाइप्स हैं। सबसे कॉमन एक्नी वल्गैरिस है, जो कि कॉमनली आती है, जिसमें लाल रंग के दाने बनते हैं, कील मुहासे बनते हैं, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स बनते हैं। इसके साथ साथ इसकी कुछ टाइप्स हैं एक्नी वल्गैरिस के अलावा। यूजुअली 80-90% केसेस में एक्नी वल्गैरिस ही होती है। अब जो 10-20% हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्नी, उसमें एक्नी एग्मिनाटा है, एक्नी कॉन्ग्लोबेटा है। अब एक्नी कॉन्ग्लोबेटा, मैं थोड़ा थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्नी कॉन्ग्लोबेटा में बहुत बड़े बड़े सिस्ट्स बनते हैं, जिनका साइज़ 3-4 सेंटीमीटर तक चला जाता है, और वो सिस्ट जो हैं वो सेबेशियस ग्लैंड रिच एरियाज़ में कॉमनली बनते हैं, जो कि अपर चेस्ट, अपर बैक, फेस और अपर आर्म्स हैं। और ये एक्नी यूजुअली बहुत ज़्यादा स्कारिंग करती है। एक्नी कॉन्ग्लोबेटा जिन लोगों में होती है, उनमें स्कारिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अक्सर आपने लोगों के चेहरों पे देखा होगा कि घड़े पड़े होते हैं, वो जो घड़े होते हैं फेस पे, वो एक्नी के होते हैं। यूजुअली एक्नी घड़े छोड़ती है, और एक्नी का जो सीक्वल है वो घड़े होते हैं। तो जिन लोगों को ज़्यादा घड़े पड़े होते हैं, उनमें मोस्ट कॉमनली एक्नी कॉन्ग्लोबेटा होती है। इसी तरह एक्नी फल्मिनांस, एक्नी की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, लिहाजा इसमें हमें सबसे पहले टाइप को आइडेंटिफाई करना होता है कि किस टाइप की एक्नी है और किस एज में आ रही है और किस ग्रेड की एक्नी है। अब ग्रेडिंग भी बहुत ज़रूरी है इसमें। ग्रेड हम कैसे करते हैं? इसके यूजुअली ग्रेड 1 टू ग्रेड 10 होते हैं। अब हमने सबसे पहले एक्नी को कैटेगराइज करना होता है कि एक्नी किस ग्रेड में फॉल कर रही है।
माइल्ड है, मॉडरेट है कि सिवियर है, क्योंकि अक्सर लोगों में माइल्ड और मॉडरेट एक्नी होती है जिसमें स्कारिंग के चांसेस भी कम होते हैं और इसमें ट्रीटमेंट भी हमने बहुत ज़्यादा हाई पोटेंसी नहीं। तो सबसे पहले कैटेगराइजेशन भी बहुत ज़रूरी है, जब भी आपने किसी भी एक्नी को ट्रीट करना है तो आपने उसको कैटेगराइज करना है, क्योंकि आपका ट्रीटमेंट ड्यूरेशन और ट्रीटमेंट की पोटेंसी उस कैटेगराइजेशन पर डिपेंड करती है कि वो माइल्ड है, मॉडरेट है या सिवियर है और किस ग्रेड में फॉल कर रही है। तो उसके अकॉर्डिंगली FDA अप्रूव ट्रीटमेंट्स जो यूजली हैं वो 6 मंथ्स हैं एक्नी के, कि आपने 6 मंथ्स तक एक्नी को ट्रीट करना है। जो मैं देखता हूँ अक्सर वो ये है कि लोग लेट सपोज 2 महीने ट्रीटमेंट लेते हैं और उनकी एक्नी बिल्कुल ठीक होनी शुरू हो जाती है तो वो ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से एक्नी का रीलैप्स बहुत कॉमन है और वो फिर आके कहते हैं, पेशेंट्स आते हैं आके कहते हैं, डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक हो गई थी एक्नी लेकिन दोबारा से एक्नी शुरू हो गई है, तो ये देखें ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो इसकी सबसे कॉमन वजह ये है कि ट्रीटमेंट का कोर्स पूरा नहीं किया जाता। जब तक किसी भी बीमारी का एक डिफाइंड कोर्स पूरा ना किया जाए तो कभी भी वो बीमारी प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हो सकती। और एक्नी में रिलैप्स तो वैसे ही बहुत कॉमन है, यानी कि 30 साल की उम्र तक इसका चांस होता है बार बार आने जाने का, जिसकी वजह से स्कारिंग का भी चांस होता है। लिहाजा अगर आपने एक्नी स्कार्स को प्रिवेंट करना है तो आप एक दफ़ा लग के 6 महीने का कोर्स पूरा करें, जैसा कि आपके डॉक्टर ने आपको बताया होता है। अगर इसके रेलिवेंट आपका कोई भी क्वेश्चन है या आप कोई भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म से मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं।